बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया आप सोनीपत नहीं आते। देख लो आज एक ऐसी ट्रेन में है जो सोनीपत पानीपत सब जगह रुकती है और आपको सभी चीज़ें कवर करने का मौका मिलेगा। बाकी शताब्दी एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट से जो हमारी उम्मीद है वो बढ़ चुकी है। देखते हैं स्वाद कैसा है ब्रेकफास्ट का, जो भी है टूर रिव्यू आपको मिलेगा। भाई जब भी शिमला जाने की बात आती है ना तो सबसे पहली चीज़ मन में क्या आती है, यार दिल्ली चलो, दिल्ली से कोई ना कोई गाड़ी देखेंगे कालका तक, और कालका से शिमला तो टॉय ट्रेन मिल ही जाएगी, लेकिन उसका टिकट एडवांस में करा के रखना। और दिल्ली से कालका पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है नेताजी एक्सप्रेस, जो कि रात 9 बजे चलती है और 3 बजे तक कालका पहुंचाती है। तब आप वहां से शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहता है वो है कालका शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हमारे पीछे उस तरफ खड़ी है। उसमें आज मैं आपको जर्नी एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। ये आपको सुबह 7:40 चल के 11:40 तक पहुँचा देती है कालका। वहाँ से आपको हिमालय क्वीन मिल जाती है शिमला जाने के लिए, लेकिन आज हम हिमालय क्वीन से जाएंगे नहीं। पर हाँ, कालका शताब्दी का जो जर्नी एक्सपीरियंस है ना, ये आप देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली से एक मेजर कनेक्टिविटी है शिमला जाने के लिए ये ट्रेन। उसके आगे आप चाहो तो कालका से शिमला के लिए कैब भी ले सकते हो, बस भी ले सकते हो, सब कम समय लेती हैं, लेकिन मज़े लेने हैं तो टॉय ट्रेन में ही जाना। बाकी फिलहाल चलिए चलते हैं कालका शताब्दी की जर्नी, आज आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए, जिसका ट्रेन नंबर है 12011। अच्छा वैसे मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और अभी हमारे पीछे लगी हुई शताब्दी एक्सप्रेस। जल्दी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर, बाकी की सुविधाएं। और इस जर्नी को पूरा करने के लिए ना आपको 890 रुपीज़ एसी चेयर कार के पे करने पड़ेंगे। जर्नी तो 4 घंटे की है, पर ये 890 रुपीज़ किस चीज़ के लिए ना वो आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। इसमें खाने पीने की जो सुविधाएं है ना वो भी एडेड है आपके बिल में। देखो कालका शताब्दी की अनाउंसमेंट हो रही है। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, जो चेयर कार के कोचेज है ना, C1 का कोच सबसे आगे इंजन तरफ और वहां से शुरू होता है पीछे की तरफ, और एग्जीक्यूटिव क्लास के जो कोचेज है वो पीछे तरफ एकदम पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। दिल्ली में ठंड शुरू हो चुकी है और शिमला का तो क्या ही कहूँ मैं आपसे। इस शताब्दी का इंटीरियर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, सीट्स वगैरह तो खैर कंफर्टेबल है, बाकी आपके लिए बॉटल स्पेस, ट्रे होल्डर सब कुछ है, लेग प्रेस भी है यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट मेन चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बट हमारी तीनों की सीटें एकदम अलग अलग हैं, क्योंकि लास्ट राउंड में टिकट कराया था तो कुछ अलग अलग सीटें मिली हैं। बाकी फैसिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पे इस जर्नी एक्सप्रेस में दिखाएंगे। एक गजब की पैक चलती है शताब्दी एक्सप्रेस में। वीकेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों में करंट में 30 सीट निकली थी, करा तो दी मैंने, पर सब अलग अलग मिली हुई है तीनों दोस्तों को अलग अलग सीट। देखते हैं एडजस्ट करते हुए जाएंगे। बाकी ये शताब्दी ऐसी है ना कि इसमें बैंकर लोकोमोटिव लगते हैं, पता है कहाँ से, चंडीगढ़ से कालका के लिए। वो भी आपको दिखाऊंगा, पर बैंकर तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर एक दिन मैंने कैप्चर जरूर किया था, इसे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं 7:40 पर। वॉशरूम की बात करूँ तो एकदम नीट एंड क्लीन है यार, मतलब क्या बोलूँ।
10/10 रेटिंग साफ सफाई को लेकर शताब्दी के लिए। यहाँ पे अपनी कालका शताब्दी पहुंच रही है सोनीपत जंक्शन। का 8:20 का अराइवल टाइम था, समझ लो आप 2 मिनट का होल्ड टाइम है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे 8:30 पहुंची है। सोनीपत से आपको जिंद और रोहतक की लाइन मिल जाएगी। जो लोग सोनीपत से हो भाई कमेंट सेक्शन लिख करके बताइएगा जरूर। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया आप सोनीपत नहीं आते। देख लो आज एक ऐसी ट्रेन में है जो सोनीपत पानीपत सब जगह रुकती है और आपको सभी चीज़ें कवर करने का मौका मिलेगा। सनराइज जो है काफ़ी तगड़ा सा यहाँ पे हुआ है, देख लो यहाँ पे अपनी शताब्दी खड़ी हुई है। इस तरफ के लिए रूट निकल जाता है जिंद और रोहतक के लिए, वही सेम पानीपत से भी जाते हैं रूट्स वगैरह, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। बट हाँ ठंड यहाँ की बहुत ही बढ़िया होती है। बाकी 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग सोनीपत जंक्शन से भी निकल चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी जो शुरू हो चुकी है। बाकी हाँ पहले है कि पानी वगैरह यहाँ पे सर्व हुआ है और बाकी चीज़ों की सुविधा जो सर्विस है वो चालू हो चुकी है यहाँ पे। सोनीपत के बाद लगातार 130 में चल रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। शायद चाय यार दे दो, पास कर दो हम लोग की चाय और बिस्किट भी आज कल, देखते हैं टेस्ट कैसा है। काफ़ी सही है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बना कर दे दो भैया, क्योंकि डिप वाली चाय में कोई मज़ा आता नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया बना के दिए, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी शताब्दी एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट से जो हमारी उम्मीद है ना वो बढ़ चुकी है, देखते हैं स्वाद कैसा है ब्रेकफास्ट का। जो भी है टूर रिव्यू आपको मिलेगा। और सोनीपत से निकलने के बाद ट्रेन लगातार 130 रफ्तार में भाग रही है, अगला स्टॉप पानीपत होने वाला है हमारा, वहाँ आपसे मुलाकात करते हैं, इसे फिनिश कर लेते हैं, साथ में बिस्किट भी हैं। से 50 का टाइम था हमारा यहाँ पे पानीपत जंक्शन का, पर यहाँ पे 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं। स्टेशन में आपको ब्रेड पकौड़े वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ से आपको जिंद रोहतक वाली जो लाइन है ना वही सेम कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन सोचा आप लोगों को मैं एक बार बता दूँ। और पानीपत के युद्ध के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही था ना, वो यहीं पर हुआ था, इसलिए पानीपत जगह काफ़ी फेमस है। और एक ठंडियों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट में तो आप यहाँ के ब्रेड पकौड़े वगैरह खा सकते हो, बढ़िया मिलते हैं आपको स्टेशन में भी, वो एक खास बात है यहाँ की। कभी पानीपत ट्रैवल किया अगर आप लोगों ने यहाँ का खाना पीना खाया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और जो लोग यहाँ से हो आप तो बिल्कुल ही बताइएगा आप लोग यहाँ पे कहाँ से और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो करने लायक है हमारे। पानीपत जंक्शन से हम लोग 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं। शताब्दी जो है ना बहुत बढ़िया भाग रही है तो मज़ा आ रहा है। बाकी अपना ब्रेकफास्ट जो इसी के बाद सर्व होगा ना, अब आपको सीधा ब्रेकफास्ट दिखाते हैं कैसा। सामने आ रही है कालका नई दिल्ली शताब्दी 12006। ट्रेन है कुरुक्षेत्र जंक्शन एंटर कर रही है, कोई तो ट्रेन स्किप कर रही है।
क्षेत्र के बारे में तो कौन नहीं जानता है। महाभारत काल से यहाँ की मिट्टी आज भी लाल बनी हुई है। आप लोगों को बता दूँ, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से नरवाना की ब्रांच लाइन गई हुई है। ट्रेन यहाँ पे हमारी 2 ही मिनट रुकने वाली है और पहुँची है यहाँ पे 9:45 और 10:20-10:30 के आसपास ये पहुँच जाएगी अम्बाला कैंट भी और 11 बजे तक चंडीगढ़। आप अंदाज़ा लगा लो नॉन स्टॉप भाग रही है। करनाल का स्किप आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और स्वर्ण शताब्दी को तो खैर यहाँ पे स्टॉप नहीं दिया गया, आप ही के सामने ट्रेन ने यहाँ पे स्किप किया है। अच्छी खासी गुनगुनी धूप जो है ना यहाँ पे आ चुकी है। इस रूट पे ब्रेड पकौड़े बढ़िया मिलते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो ना तो सोनीपत, पानीपत और ये कुरुक्षेत्र तक के ले सकते हो। अम्बाला जाते जाते तो फिर छोले कुलचे का ज़माना आ जाता है, ब्रेड पकौड़े ख़राब हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। अपना डिपार्चर होने वाला है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने भैया को कह दिया, तो भैया थोड़ा लेट लगाओ क्योंकि थोड़ा सा गैप चाहिए खाने के लिए, वरना ये स्टेशन बैक टू बैक पड़ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट चीज़ें सर्व हुई है ना, इसके साथ एक चाय और जूस का भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो। हाँ, ये पोहा यहाँ पे नहीं मिलता है, हमने अलग से मंगवाया है पैसे दे करके। रिक्वेस्ट किया था कि भैया कटलेट से कुछ है तो वो ले आओ, तो पोहा भी यहाँ पे आ चुका है क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी। और बाकी इनका टेस्ट देखेंगे कैसा है, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है खाना भी यहाँ पे। इनके कटलेट वैसे बहुत पसंद है, स्पेशली ना आपको शिमला रेलवे स्टेशन में ब्रेकफास्ट में जो कटलेट मिलेंगे ना वो बहुत तगड़े होते हैं। सॉरी, शिमला कह रहा हूँ, कालका। ये भी कटलेट काफ़ी बढ़िया है ना, चटपटे से एकदम। मज़ेदार, और साथ में पोहे भी हैं यहाँ पे। मात्र 40 रुपीज़ पे करके आप इस पोहे को भी मंगा सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रेन में अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा। बाकी ब्राउन ब्रेड, बटर सब कुछ है यहाँ पे, जो आपको पसंद हो आप खा सकते हो। बाकी यहाँ पे खाने में ब्राउन ब्रेड, बटर वगैरह सब कुछ है, तो जो आपको पसंद है आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है बाकी स्वाद वगैरह। खाना तो गाड़ी का 10 में से 8 रेटिंग तो देना ही चाहूँगा। बाकी श्रेयांश भाई का भी देखो ब्रेकफास्ट यहाँ तैयार हो रहा है, जल्दी टेस्ट करो। सामने आप लोग देख लो, मुरादाबाद सहारनपुर वाली जो लाइन है वो मर्ज हो रही है अम्बाला कैंट में, और यहाँ हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँचते हुए। ये है शताब्दी का जलवा, 10:22 का टाइम था, 10:18 पे ही पहुंच गया अबे, बिफोर टाइम अम्बाला कैंट। इसकी नारेबाजी चल रही है। अम्बाला रेलवे स्टेशन में आपको कुलचे, ब्रेड पकौड़े, मतलब ये सब भर भर के मिलेंगे। खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। बाकी हाँ, ये वाले जो वाटर प्योरीफायर एंड जो सिस्टम है वाटर वेंडिंग का, वो रेलवे ने वापस से शुरू कर दिया है ना। बहुत बड़ी छावनी है, मतलब आर्मी के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। बाकी यहाँ से रूट्स की बात करूँ ना, तो अपनी जो लुधियाना वाली लाइन है जो कि आगे जम्मू और अमृतसर के लिए निकलती है, वो हमसे अलग हो जाएगी और हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ वाली लाइन पर बढ़ेंगे। चंडीगढ़ वाली लाइन भी आगे जाके हिमाचल के लिए निकलती है, ऊना हिमाचल, अमंदौरा वगैरह के लिए, पर हम लोग उसमें कालका के लिए बढ़ेंगे। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में ही हमारे ट्रेन के पीछे तरफ भी एक इंजन लगाया जाएगा, यानी बैंकर लोकोमोटिव्स। यहाँ आते हैं तो यार धूप अच्छी खासी आ चुकी है, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि लगभग 224 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने 2 घंटे 40 मिनट पे तय कर लिया है। शताब्दी इतना ताबड़तोड़ भागी है यहाँ पे इस रूट पे, मज़ा आ गया। दूसरी तरफ तो सचखंड एक्सप्रेस खड़ी हुई है अमृतसर से हजूर साहब नांदेड़ जाने वाली, पर वो दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दरवाजे में देखो सामान वगैरह रखा हुआ है ना, तो ब्लॉकेज लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल तुरंत ही मिल चुका है शताब्दी को। आगे शान ए पंजाब एक्सप्रेस धीरे धीरे मेन लाइन पकड़ते हुए वहाँ पे देखो आप लोग, देखिए शान ए पंजाब एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए, शायद एक छोटा मोटा सा पैलर रेस भी देखने को मिल जाए यहाँ पे। एक्सप्रेस भी काफ़ी पैक, लोगों ने सामान वगैरह वहाँ पे भर रखा था आगे वाली गैलरी में, ये वाली तो खैर खाली है भाई। सचखंड बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है, पर अमृतसर का भी इतने फेरे मेरे लगे हैं ना कि पहले लोग कहते थे भाई पंजाब नहीं आ रहे, पंजाब नहीं आ रहे, अब कहेंगे भैया बहुत आगे पंजाब, अब बाहर जाओ तो और कुछ घूम के आओ। अभी बैक टू बैक चंडीगढ़ अमृतसर अम्बाला वाला रूट हो रहा है इस बार। S6 तक है गाड़ी में, और गाड़ी पूरी जैम पैक चलती है। सचखंड भी डेली ट्रेन है,
लुधियाना वाली लाइन हमसे जो है वो अलग हो चुकी है, अमृतसर जम्मू के लिए निकल रही है और हम लोग चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हुए अंबाला शहर को पार करके गजब यहीं पे शताब्दी ने जो अपनी पिकअप है वो पकड़ ली है। यहाँ पे जो WAP-4 खड़ा है ना यही हमारी ट्रेन के पीछे एज ए बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा जो कि पीछे से धक्का देगा खड़ी चढ़ाई में चढ़ने के लिए। मौसम में ठंडक चंडीगढ़ से ही फील होना शुरू हो चुकी है। स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी रिनोवेशन में जा रहा है, बाकी आधे हिस्से में आपको वर्किंग मिलेगी। चंडीगढ़ में तो ट्रेन बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आई है, मतलब 10:59 से 11:07 का इसका अराइवल एंड डिपार्चर टाइम है, तो एकदम डॉट ऑन टाइम एंट्री किया ट्रेन ने। बाहर लोकोमोटिव तैयार है कि बस ट्रेन में पीछे अटैच कर दिया जाएगा और हम लोग अपने सफ़र में बढ़ जाएंगे। इंडिया का ये सबसे प्लान सिटी है और साथ साथ काफ़ी साफ सुथरा शहर भी है चंडीगढ़। मौसम में बदलाव यहीं आते आते फील होने लगा है, ठंडक फील हो रही है शिमला के लिए और एक्साइटेड है काफ़ी, क्योंकि आज हम लोग जो स्टे करने वाले हैं वो कालका में ही करेंगे। आज हम लोग मतलब तुरंत शिमला नहीं निकलेंगे, थोड़ा कालका को भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। पंक्चुअलिटी के नाम पे एक नंबर है, साफ सफाई के नाम पे एक नंबर है और खाना पीना भी इसका एक नंबर है। गाड़ी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और मोस्टली लोग इसे यहीं पर डीबोर्ड कर देते हैं। सुबह दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए एक बेस्ट कनेक्टिविटी हो जाती है इसमें। देखो वंदे भारत क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है और शताब्दी होती है आराम से 7:40, तो लोग इसे प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा। शताब्दी अब अपनी आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए निकल चुकी है। देखते हैं लोकोमोटिव कौन सा लगा, मुझे लग रहा है WAP-4 लगा हुआ है रेड कलर का, पास से पता चलेगा। WAP-4 ही है, चढ़ाई में चढ़ाने के काम आएगा ये गाड़ी। भाई समय की तो बहुत पाबंद है, मुझे समय के पाबंद लोग बहुत पसंद है। 11:07 गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर, क्या बात है। ये जो लाइन आप जाती देख रहे हो ना ये मोरिंडा जंक्शन होते हुए लुधियाना भी जाती है और साथ साथ यही अमनदौरा के लिए भी निकलती है। नंगल डैम वगैरह भी आपने सुना होगा ऊना के लिए, वो पूरा रूट वही वाला है। वो देखो WAP-4 ट्रेन को धक्का देते हुए भी बहुत ज्यादा है। साथ बात कैसे खड़ी चढ़ाई आगे ट्रेन के चढ़ने के लिए ब्रिज तो आया है खैर, पर वो खड़ी चढ़ाई काफी खतरनाक लग रही थी देखने में।
चढ़ाई चढ़कर पहुँचे और फिर वापस से उतरना है ढलान में कालका स्टेशन पहुँचने के लिए। दूसरी ट्रेन जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था वो है नेताजी एक्सप्रेस, जो कि एकदम परफेक्टली ऑन टाइम मोस्टली आपको यहाँ पहुँचा देती है सुबह वाली ट्रेन के लिए। बढ़िया ट्रेन है, इसमें आप हावड़ा से सीधा यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो। मुझे भी इसमें एंड टू एंड ट्रैवल करने का काफ़ी मन है। तो यहाँ पे आप देख लो टॉय ट्रेन जो है शिमला के लिए तैयार खड़ी है। बहुत ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है कालका। आप लोग यहाँ पे टॉय ट्रेन जो शिमला की ओर जाती है हिमालय क्वीन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी शताब्दी अपनी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। शताब्दी तो खैर शाम में जाएगी यहाँ से वापस, लेकिन टॉय ट्रेन आप देख लो एक बार वो सामने यहाँ पे खड़ी हुई है। बाकी यहाँ तक का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आप इस ट्रेन में केटरिंग ऑफ करना भूल जाते हैं तो आप 175 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन बोर्ड पे करके अपने लिए पूरी थाली मंगवा सकते हैं विद बिल, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। शताब्दी यार बिल्कुल ऑन टाइम वाली गाड़ी है। 11:40 का टाइम था तो 11:35 यानी 11:40 का टाइम था, 11:35 ही यहाँ पहुँच गई थी। मज़ा आया इस जर्नी में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई जर्नी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ हम लोग कालका शिमला टॉय ट्रेन के एक्सपीरियंस को इन्जॉय करेंगे एक साथ। तो भाई अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, क्योंकि नई जर्नी एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रही है। और जल्दी इंस्टाग्राम में आपको इसकी रील्स भी देखने को मिलेंगी। इंस्टा को भी फॉलो कर लो, एक से एक तगड़ी शिमला की रील्स वहाँ पे डालने वाला हूँ। मिलेंगे जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।